सरकार चल रही थी उस समय अगर गैस के दाम 10 रुपया बढ़ता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गैस का सिलेंडर लेकर के सड़कों पर उतरने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां गले में सब्जियों की माला और ठेली में दाल और सब्जियां लेकर के प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही थी। आज हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं, आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहते हैं कि आज की तारीख में इस सरकार को महंगाई नहीं दिखाई दे रही। गैस के सिलेंडर में सीधे सीधे 150 रुपए की मूल्य वृद्धि करने का काम इस सरकार ने किया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग और उत्तराखंड के लोग इस सरकार के विरोध में सड़क पर मार्च करने का काम करें। हालत ये है, महंगाई चरम पर है, लेकिन ये सरकार ना तो गैस सस्ती कर रही है, ना पेट्रोल डीजल को सस्ता करने का काम कर रही है, ना ही गरीब आदमी को दो वक्त का जो राशन मिलता है उसको भी सस्ता करने का काम नहीं कर रही है। ये सरकार अगर सस्ता कर रही है तो शराब को सस्ता करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी, इंदिरा प्रीतम जिंदाबाद। तो उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत से
इस सूबे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने आपसे हमसे वादा किया था कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अगर डबल इंजन की सरकार का गठन होगा तो निश्चित रूप से ये प्रदेश विकास के रास्ते में आगे बढ़ने का काम करेगा। और आने की दुकान पर जाके खड़ा हो, जब एक व्यक्ति 10 रुपए का जो है घी लेता है, आधा किलो आटा लेता है, तो उसको कितनी परेशानी होती है कि मंत्री जो बड़ी बड़ी कारों में जाकर बैठते हैं, बड़ा मोटर